गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज आपको मैं फ्रेंच क्लासिक फ्रेंच टोस्ट बनाना बताता हूँ। ये बहुत ही सिंपल रेसिपी है और ब्रेकफास्ट में आप अच्छी तरह यूज कर सकते हैं। और इसके अंदर अपने जो चीज़ ली है, जो इंग्रेडिएंट लिए हैं, उसमें एक का ले रहा हूँ। वैसे नॉर्मली दो तीन एग का ले सकते हैं। इसमें एक एग में दो से तीन आपकी ब्रेड बन जाएंगे, फ्रेंच टोस्ट बन जाएंगे। और एक क्रीम ली है, एक के साथ में मिक्स करेंगे। शुगर लिया है 2 चम्मच के आसपास, इसमें से एक पहले यूज करेंगे, एक बाद में करेंगे। और हनी लिया है और 2 ब्रेड ली हैं। तो 2 से 3 ब्रेड आप एक अंडे में बना सकते हैं, एक एग में बना सकते हैं। और ये बहुत ही फास्ट बनने वाली रेसिपी है, तो मैं आपको पहले सबसे पहले एग को फोड़ के बताता हूँ। और इसके अंदर अपन इस एक के अंदर थोड़ी सी ये क्रीम डाल लें। क्रीम यदि आपके पास नहीं है तो दूध भी डाल सकते हैं। और ये लगभग जितना वॉल्यूम अंडे का है उतना इसमें क्रीम डाल दें थोड़ा सा। ये फ्रिज में रखने में उससे थोड़ा जम गया, आप दूध भी इसकी जगह ले सकते हैं। तो और इसके अंदर थोड़ी सी अपन शुगर डाल देते हैं। ये अपने टेस्ट के हिसाब से है, ये स्वीट फ्रेंच टोस्ट बनेगा। और इसके अंदर आप चाहें तो दालचीनी का पाउडर भी थोड़ा सा लोग वहाँ यूज़ करते हैं, बट सिंपल तरीके से मैं आज बता रहा हूँ आपको। और अब इसको फेट करते हैं, अच्छे से फेट करें इसको, जिससे मिक्स होना चाहिए। ये इसको जितना मिक्स करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। अच्छे से मिक्स कर लें, कोई भी लम्स इसमें नहीं बचने चाहिए। जैसे इसमें चीनी या जो मिल्क की क्रीम आपने जो डाली है वो इसमें नहीं दिखाई देनी चाहिए। एकदम से अभी ये मिक्स हो चुका है, थोड़ा अच्छे से फेट करें इसको, वो खुद पता चल जाएगा कि इसमें अभी कुछ नहीं बचा है। तभी फिर ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा और टेस्ट इसमें अच्छा आएगा। तो ये अपना तैयार है लगभग। ये स्टोव को ऑन कर दिया है और इस पे ये अपने आप पैन ले सकते हैं या ये ले सकते हैं। मैंने इसलिए लिया कि जितना बड़ा लेंगे तो उसमें एक साथ आप 2-3 ब्रेड पीस यूज कर सकते हैं, फ्रेंच टोस्ट बन जाएंगे। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, ये जो अपना मिक्स बनाया है इसके अंदर अपन ये ब्रेड्स को पहले डिप करेंगे, उसके बाद में उसके अंदर डालेंगे। इसमें आप घी या उसका यूज़ कर सकते हैं, मैंने घी का यूज़ किया है। और इसमें थोड़ा सा ऑयल मिक्स करूँगा जिससे जले नहीं। बटर भी यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डाल दिया है, इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे, इसमें थोड़ा ऑयल डाल देते हैं। वेजिटेबल कोई भी ऑयल ले सकते हैं उसके लिए। तो अपना लगभग तैयार है, इसको अपन थोड़ा सा फैला देंगे जब तक गर्म होता है अच्छे से। अपना ये तैयार है, सबसे पहले अपन एक ब्रेड लेते हैं, उस ब्रेड को अच्छे से इसमें से डिप कर लेते हैं। अब डिप करने के बाद में अब अपन इसको इसके अंदर डाल देते हैं अच्छे से। ये अपने इस पे ब्रेड टोस्ट डाल दिया है, अब इसको धीरे धीरे पकने देंगे और उसके बाद में इसको टर्न कर देंगे जब एक तरफ से तैयार हो जाएगा। देख सकते हैं आप, ये तैयार हो रहा है, अच्छा ब्राउन कलर आ रहा है। अब ये थोड़ा नीचे से ब्राउन हो चुका है, अब अपन इसको ध्यान से पलट देंगे तो ये बहुत ही शानदार कलर इसमें जैसा फ्रेंच टोस्ट को आना चाहिए वैसा, इससे ज़्यादा ना जल पाए। और ऐसे ही करके आप चाहें तो एक साथ 2-3 डाल सकते हैं, जैसे मैं दूसरी ब्रेड भी इसके साथ डाल देता हूँ, तो जिससे साइड में ये पकती रहेगी। अच्छे से इसको बहुत ध्यान से डालना पड़ेगा आपको, कोशिश करें कि ये जो है आपका बड़ा पीस लें,
कोशिश करें बाउल थोड़ा बड़ा लें, क्योंकि ये बाउल जितना बड़ा होगा ब्रेड अच्छे से उसमें डिप हो पाएगी, अदरवाइज छोटा लेंगे तो कई बार ब्रेड बड़ी होने से दिक्कत आएगी। तो मेरे पास यही अवेलेबल था, मैंने आप लोगों को बता दिया। अब ये अपना तैयार है लगभग, ये वाला आप इसको देख सकते हैं नीचे से, अच्छा कलर आ रहा है, सुनहरा कलर। और एक साथ मैं दो तैयार कर रहा हूँ इसमें, तो ये अपने दोनों ऑलमोस्ट तैयार हो गए हैं, सिर्फ पक चुके हैं। और दोनों तरफ से इसका कलर आप देख सकते हो, बहुत ही ब्राउन कलर है, ये देखिए कितना डिलीशियस है। और ये वाला अभी तैयार हो रहा है सेकंड टोस्ट, तो अपने इसको एक को रिमूव कर देते हैं जब तक। ये भी अच्छे से सीख गई है लगे, तो अपन इसको पलट के देखते हैं, दूसरी तरफ से भी अच्छी सीखी है, कुछ कॉर्नर इसके बचे हैं, तो लगभग अपना तैयार है। अब इसमें अपना ये फ्रेंच टोस्ट तैयार है, और देखिए इसमें शानदार कलर आया है, काफ़ी अच्छा है। और अब इसमें थोड़ा सा शुगर पाउडर अपन डालते हैं, थोड़ा शुगर पाउडर यूज़ कर सकते हैं, और इसमें थोड़ा हनी यूज़ कर सकते हैं जिससे काफ़ी अच्छा लग, तो ये हनी थोड़ा सा आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो ये सिंपल फ्रेंच टोस्ट से रेसिपी थी, आप लोग इसको यूज़ कर सकते हैं, ये स्वीट फ्रेंच टोस्ट है, इसको आप यूज़ कर लें, काफ़ी अच्छा लगता है नाश्ते में, काफ़ी अच्छा बन जाता है और पौष्टिक भी है काफ़ी। थैंक यू मेरे दोस्त, आज के वीडियो में इतना ही काफ़ी है।